नॉर्थ की जो दिशा है आपके जीवन में किसी भी तरह के कोई भी अवसर है वो लेके आती है, कैसे भी अवसर हो। वो स्पार्क जो है वो नॉर्थ का होता है, जब कोई काम करने की इच्छा जागती है कि मैं कोई स्टार्टअप करूं, मेरा कोई बिजनेस हो, मेरी कोई डिजायर है उसको मेरे को पूरा करना है, वो स्पार्क जो है वो नॉर्थ का है। नॉर्थ आपके जीवन में वो अवसर लेके आती है जिससे आप मनुष्य रूपी जीवन में अपने कैश एंड लिक्विडिटी को मैनेज कर पाए, अपने गृहस्थ जीवन को पाल पाए, उनका पालन पोषण कर पाए। इसके लिए आपको लक्ष्मी की जरूरत है, यानी कि कैश की जरूरत है। वो कैश के अवसर, कैश का अवसर खाली ये अर्थ नहीं कि कैश, यानी कि कैश का मतलब पैसा नहीं, किसी भी अवसर को कैश कर लेना, किसी भी अवसर को ग्रैब कर लेना, कैश कर लेना, वो यहां से आता है। जब कोई व्यापार में, किसी भी बिजनेस में आपके पास ग्राहक ही नहीं आ रहे, क्लाइंटेज नहीं है, आपको क्लाइंटेज नहीं है, आपके पास ग्राहक आता ही नहीं, सामान भी है, सब कुछ भी है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, पर ग्राहक नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? ग्राहक, फुटफॉल नहीं है, फुटफॉल नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी आपने सारी कर दी, सब कुछ कर दिया, पर फुटफॉल नहीं है। तो जो फुटफॉल है ना, जो आगमन है, आगमन जल का स्वरूप है, आगमन जल का स्वरूप है। तो जल का स्वरूप यानी कि नॉर्थ की दिशा, वो आगमन की दिशा है कि आपके व्यापार में, आपके काम में वो फ्लो, फ्लो ऑफ क्लाइंट्स, फ्लो ऑफ क्लाइंट्स, उसको लेके आने की दिशा है। ये जल तत्व की दिशा है। इसका जो कलर है वो नीला और काला है, और शेप जो है वो वेवी है। इसका जो एंटी कलर है वो है येलो, येलो यानी कि अर्थ एलिमेंट। और उसकी अर्थ एलिमेंट के क्या क्या स्वरूप है? स्टोर, स्टोर होना, कोई भारी भरकम चीज वहां रखी होना, या कोई स्क्वायर शेप होना। तो जब कभी कोई व्यक्ति आपको कहे कि मेरे को अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, किसकी? पैसा कमाने की, जीवन में कुछ करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, इसका अर्थ यह है कि नॉर्थ में पृथ्वी तत्व मौजूद है। कौन सा तत्व मौजूद है? अग्नि नहीं, पृथ्वी तत्व मौजूद है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो जल को बांध देती है, जल को रोक देती है। जब डैम बनाए जाते हैं क्या होता है? जल को बांधा जाता है। तो नॉर्थ की दिशा का अर्थ है कि आपके जीवन में क्लाइंट्स का आना, आगमन होना। आगमन होना बेसिकली ये क्या है? आगमन होना।